नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। महाराष्ट्र में एक बार फिर से पालघर की घटना दोहराई गई। पालघर घटना याद है कि नहीं आपको? अगर नहीं याद है तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर जिले में 16 अप्रैल 2020 को बच्चा चोरी के शक में दो साधु समेत तीन लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। भीड़ ने 70 साल के साधु कल्प वृक्ष गिरी और 35 साल के साधु सुशील गिरी के साथ उनके ड्राइवर नीलेश तेलगाड़े की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस मामले में करीब 250 लोगों के गिरफ्तार किया था। दोनों साधु अपनी गाड़ी से मुंबई से सूरत जा रहे थे, तभी पालघर के गढ़चिल्ले गांव में भीड़ ने उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी। जगह वही, घटना वही और वजह भी वही, यानी कि पालघर की घटना को एक बार फिर से हवा दी गई। दरअसल महाराष्ट्र के सांगली जिले में बच्चा चोरी करने के शक में भीड़ ने चार साधुओं पर हमला बोल दिया। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। यह घटना जाट तहसील के लंबवागा गांव की है। बता दें कि यूपी के रहने वाले चार साधु एक कार में कर्नाटक के बीजापुर से पंडरपुर के मंदिर की ओर जा रहे थे। वो सोमवार को गांव में एक मंदिर में रुके और मंगलवार को यात्रा फिर से शुरू करते समय उन्होंने एक लड़के से रास्ता पूछा। तभी वहां के लोगों को शक हुआ कि ये लोग बच्चा चोरी करने वाले गैंग से जुड़े हुए हैं। देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई और भीड़ ने साधुओं पर हमला बोल दिया। तभी पुलिस की एक टीम पहुंची और बताया कि ये बच्चा चोर नहीं, अखाड़े के सदस्य हैं। पुलिस ने सभी साधुओं को अस्पताल में भर्ती कराया है। अभी किसी की भी स्थिति बयान देने की नहीं है। इसके हालात सुधरते ही इनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। अभी तक इस मामले में कोई FIR भी दर्ज नहीं की गई है। इस घटना के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में साधुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।